हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5, और वो है पेशेंट काउंसलिंग। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए अगर मेरे वर्ड्स कुछ आगे पीछे हों तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोलता हूँ। इस वीडियो में हमको पढ़ना है पेशेंट काउंसलिंग के बारे में। तो काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी को कोई बात समझा रहे हों। समझ में आ रही? काउंसलिंग का मतलब किसी को कोई बात, अच्छी बात समझाना। मान लीजिए कोई शराब पी रहा है तो उससे आप उसको रोक रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का काउंसलिंग है। लेकिन यहाँ पेशेंट काउंसलिंग है, तो पेशेंट काउंसलिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने फार्मासिस्ट से या किसी मेडिकल स्टोर से, किसी डॉक्टर से जब दवाएँ लेते हैं, तो दवा से रिगार्डिंग आपको जो इन्फॉर्मेशन वो देता है उसको हम लोग बोलते हैं पेशेंट काउंसलिंग। दवा से रिलेटिंग और आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस से रिलेटिंग उस वक्त जो वो इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेशेंट काउंसलिंग। इसको एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आप मेरे फार्मासिस्ट हैं और मैं आपके पास आया दवा लेने के लिए, और मुझे मान लीजिए खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या है? मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे खांसी आ रही है, आपने मुझे उसकी दवा दी, ठीक। या तो फिर मैं कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, समझ में आ रहा, किसी डॉक्टर को दिखाया, वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लेके आया और कहा कि मुझे इसकी दवा, ये दवा मुझे दे दीजिए। तो दोनों कंडीशन में, चाहे आप डायरेक्टली खुद मुझे दवा दें या किसी प्रिस्क्रिप्शन पे आप मुझे दवा दे रहे हैं, तो दवा देते वक्त जो इन्फॉर्मेशन उस दवा से रिगार्डिंग आप मुझे देंगे कि ये दवा आपको कब लेनी है, नहीं लेनी है, और आपको अपने खाने में थोड़ा सा चेंजेस करना है, जैसे ठंडी का मौसम आपको बाहर नहीं निकलना है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि मान खांसी आ रही है तो आपको ठंडी चीज़ें उससे परहेज़ करना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, तो ये सारी बातें जो आप मुझे बताएंगे दवा देते वक्त, वही क्या है? पेशेंट काउंसलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? पेशेंट काउंसलिंग इज ए प्रोसेस टू प्रोवाइड मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव और अटेंडेंट अबाउट द ड्रग यूज, स्टोरेज, डोज, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड चेंजेस इन लाइफ स्टाइल वर्बली और इन रिटन फॉर्म। आपको समझ में आ गया होगा, इतना आसान है ये। तो पेशेंट काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन दिया जाता है पेशेंट को, यानी जो बीमार है या जो बीमार का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो बीमार को लेके आया है, उसको दवा से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, जैसे कि दवा के यूज़ के बारे में कि ये दवा किस काम की है, ऐसे ही उसको स्टोरेज की, इसको आप किस कंडीशन में रखेंगे, धूप से बचाएंगे, लाइट से बचाएंगे, उसका डोज कितना है, कितना लेंगे, खांसी है तो क्या ml आप दवा लेंगे, क्या ढक्कन पियेंगे, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या आ सकता है, ऐसे ही कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, किन दवाओं के साथ इसको नहीं लेंगे, और अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें जब दवा देते वक्त बताई जाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पेशेंट काउंसलिंग। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये भी आपके सिलेबस में पूछ रखा है। और ये जो आपका टॉपिक है ना, ये काउंसलिंग एक हो गया प्रिस्क्रिप्शन, एक काउंसलिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। एक होता है प्रिस्क्रिप्शन, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, एक काउंसलिंग जो है इसके बारे में भी पूछ लेता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो इट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। तो इसकी वजह से अगर पेशेंट को, अगर जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट काउंसलिंग करता है, यानी दवा की इफेक्टिवनेस को वो क्या है, बढ़ जाता है, इसलिए कि जो पेशेंट है वो अच्छी तरीके से सही टाइम पे दवाएं लेगा। और क्या है, ए पेशेंट रिसीव ए बेटर एंड सफिशियंट नॉलेज अबाउट द ड्रग। और पेशेंट को दवा के बारे में क्या है, पूरी और अच्छी नॉलेज मिल जाती है, तो उसको क्या है, सेटिस्फेक्शन भी हो जाता है, तो वो दवा और अच्छे से काम करती है। ऐसे क्या है, इट डिक्रीज दी एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ये वाला पॉइंट कर दीजिएगा, ये ठीक नहीं है, इसको मैं PDF से निकाल दूंगा। इसलिए कि जो दवा है उसका जो एडवर्स इफेक्ट है तो वो क्या है, आएगा या तो नहीं आएगा, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, उसके काउंसलिंग पे, ठीक है। ऐसे क्या है, इट क्लियर्स पेशेंट डाउट अबाउट यूजिंग द ड्रग। ऐसे ही पेशेंट को जो दवा से रिलेटेड, दवा के यूज़ करने से रिलेटेड जो डाउट्स हैं, जो शक हैं, वो क्या है, इससे क्लियर हो जाते हैं। इसलिए कि जब काउंसलिंग होती है तो उसमें पेशेंट जो है वो भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस तरीके से उसके क्या है, डाउट्स भी दूर हो जाएंगे। ऐसे ही क्या है, इट डिक्रीज मेडिकेशन मिस्टेक। ऐसे ही क्या है, मेडिकेशन मिस्टेक इससे कम हो जाता है। मेडिकेशन मिस्टेक यानी दवा को यूज़ करने में जो गलतियाँ होती हैं, तो वो इससे होने से चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे क्या है, पेशेंट फील करेज टू आस्क क्वेश्चन। इससे क्या है, जब काउंसलिंग की जाती है, अब काउंसलिंग होती है, तो इसमें समझिए एक तरीके से क्या है, आपस में आमने सामने दो लोग बात कर रहे हैं, तो पेशेंट को भी क्या है, हिम्मत होती है कि वो अपने फार्मासिस्ट से या डॉक्टर से कुछ क्वेश्चन पूछ ले।
अगर बात ही नहीं होगी तो फिर क्या है, अचानक से वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है। ऐसे ही क्या है, इट डिक्रीज दी चांसेस फॉर इंट्रेक्शन ऑफ ड्रग टू ड्रग और ड्रग टू फूड और ड्रग टू डिसीज। तो इससे क्या है, जो इंट्रेक्शन होता है, दवाएं आपस में टकरा जाती हैं तो उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं, या कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो खानों के साथ क्या है इंट्रेक्शन कर जाती हैं तो वो भी क्या है उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए कि डॉक्टर आपको बताएगा या आपका फार्मासिस्ट बताएगा कि आपको इन दवाओं के साथ इन चीज़ों से परहेज करना है। ऐसे ही क्या है, इट प्रोवाइड्स द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो इसमें फार्मासिस्ट क्या है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, तो पेशेंट को इसकी भी मालूम हो जाती है कि किस रूट से दवा लेनी है। ऐसे ही इट डिक्रीज द चांसेस फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, और अगर काउंसलिंग अच्छे से होती है तो फिर क्या दवाओं के खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए कि उसको स्टोरेज कंडीशन मालूम हो जाता है। और क्या है, इट प्रोवाइड्स नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसीज, यहाँ ऑफ लगा लीजिए। तो इसको क्या है, बिना दवा के भी कैसे दवा अपनी बीमारी को मैनेज करें इसका भी इसको आइडिया मिल जाता है। ऐसे ही क्या है, इट प्रोवाइड्स ए नॉलेज अबाउट एडवर्स इफेक्ट, इन केस ऑफ एडवर्स इफेक्ट पेशेंट विल नॉट पैनिक। ऐसे ही क्या है, उसको एक नॉलेज मिल जाता है एडवर्स इफेक्ट के बारे में, ठीक है, यहाँ पे कामा लगा लीजिए, इन केस ऑफ एडवर्स इफेक्ट। और अगर एडवर्स इफेक्ट आते हैं, यानी दवा खाने के बाद कुछ इफेक्ट आते हैं जो मतलब अनवांटेड होते नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो आते हैं दवाओं की वजह से, तो ऐसे एडवर्स इफेक्ट को जब उसको पहले से पता रहेगा कि ये इफेक्ट आ सकते हैं तो इस कंडीशन में पेशेंट पैनिक नहीं होगा। समझ में आ रही बात। और अगर उसको ये नहीं पता कि ये भी, अगर उसको ये पता नहीं कि ये एडवर्स इफेक्ट आ सकता है तो दवा खाने के बाद वो क्या पैनिक हो जाएगा, लग रहा कि ये दवा मुझे गलत काम कर दिया, उसको ये लगेगा कि लग रहा है कि दवा ने रिएक्शन कर दिया, दवा ने कुछ उल्टा असर कर दिया, और परेशान हो जाएगा, भागता हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से एडवर्स इफेक्ट के बारे में मालूम रहेगा तो वो क्या पैनिक नहीं होगा, घबराएगा नहीं। ऐसे ही क्या, इट प्रोवाइड्स ए नॉलेज व्हाट टू डू इफ ए डोज मिस्ड। ऐसे ही उसको ये मालूम रहेगा कि अगर कोई दवा छूट जाती है, कोई एक खुराक छूट जाती है तो उस कंडीशन में पेशेंट क्या करेगा, वो भी उसको पता चल जाता है। ऐसे ही इट प्रोवाइड्स सेटिस्फेक्शन टू पेशेंट अबाउट द मेडिकेशन, और जो दवा वो ले रहा है उसको आप बता देंगे कि ये दवा इस बीमारी के लिए है, ये दवा इस बीमारी के लिए, ये दवा इस बीमारी के लिए है, तो उसको एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है, उसको एक तसल्ली मिल जाती है। वरना ये सोचेगा कि मैंने तो चार बीमारियां बताई थी और डॉक्टर साहब ने तो मुझे तीन ही दवाएं दी हैं, लग रहा है इस वाली बीमारी के लिए दवा नहीं दी है। समझ में आ रही बात, या लग रहा है कि एक ही बीमारी के लिए दो दवाएं दे दी हैं और जो मैंने और भी बीमारियां बताई थी उसकी दवा नहीं दी है, तो इस तरीके से उसको क्या है सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप हर दवा के बारे में उसको बता देते हैं कि ये वाली दवा आपकी इस बीमारी को ठीक करेगी, ये वाली दवा आपकी इस बीमारी को ठीक करेगी, तो उसको पूरी तसल्ली हो जाती है और इस तरीके से क्या है उसका इलाज ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से होता है। इसलिए कि उसके जो मन को शांति रहती है, मन को तसल्ली रहती है कि मैं सारी चीज़ों की दवाएँ ले रहा हूँ, तो फिर आदमी क्या है जल्दी से ठीक हो जाता है। अब स्टेजेस पूछ रखे हैं आपके सिलेबस में, स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। तो फॉलोइंग आर दी स्टेप्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग काउंसलिंग, यहाँ पे ड्यूरिंग ना लगा के आप फॉर काउंसलिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कि ड्यूरिंग का तो होता है कि जब आपने काउंसलिंग शुरू कर दी तब, लेकिन इसमें जो स्टेजेस हैं वो सब काउंसलिंग शुरू करने के बाद नहीं है, बल्कि काउंसलिंग शुरू करने से पहले भी एक स्टेज है। तो इसलिए आप करेंगे कि काउंसलिंग के लिए ये स्टेप्स या ये स्टेजेस आते हैं, ठीक है। तो वो चार स्टेजेस हैं काउंसलिंग के, यानी चार स्टेप हैं, यानी चार चीज़ें खास तौर से की जाती हैं। वो क्या है, प्रिपरेशन फॉर काउंसलिंग सेशन। सबसे पहला क्या है, उसके लिए तैयारी करना, प्रिपरेशन करना, क्या तैयारियां करनी है अभी आगे आप पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या है, जो दूसरा स्टेज है वो है ओपनिंग ऑफ द काउंसलिंग सेशन। तो आपने पहले तैयारी करनी है, फिर दोबारा अब शुरुआत करनी है, ठीक है, ओपनिंग का मतलब शुरुआत करना। तीसरा क्या है, काउंसलिंग कंटेंट। अब जब आप काउंसलिंग आपने शुरू कर दी, उसके बाद आपको क्या मेन पॉइंट्स फोकस करना है उस काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। और चौथा क्या है, क्लोजिंग सेशन, और फिर लास्ट में आपको उस काउंसलिंग को ख़त्म भी करना है, बंद भी करना है। तो वो चार स्टेजेस हो गए। तो सबसे पहला स्टेज क्या है, प्रिपरेशन। स्टेज वन क्या है, प्रिपरेशन फॉर काउंसलिंग सेशन, यानी आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो उसके लिए तैयारी करनी है आपको। तो ए सक्सेसफुल काउंसलिंग डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ काउंसलर या फार्मासिस्ट। तो अगर आप काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, अगर ये चाहते हैं कि मेरी जो काउंसलिंग है वो सक्सेसफुल हो, इफेक्टिव हो, फ़ायदेमंद हो, तो क्या है वो डिपेंड किस पे करता है, जो काउंसलर है उसके स्किल पे और उसके नॉलेज पे। अगर जो काउंसलिंग करने वाला है उसको खुद ही नहीं स्किल है, उसको बात ही करने का तरीका नहीं आता है, समझ रहे, ये भी एक स्किल होता है कि आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन आप अपनी नॉलेज को लोगों तक शेयर नहीं कर पाते, आपको बात समझाने का तरीका नहीं आता है।
और दूसरा ये होता है कि आपके पास स्किल तो है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो इसके आपके पास स्किल भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, तब आपकी बात ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बिफोर काउंसलिंग फार्मासिस्ट शुड नो अबाउट पेशेंट कंडीशन एंड हिज ट्रीटमेंट डिटेल्स एज मच एज पॉसिबल। तो ये कह रहे हैं कि काउंसलिंग शुरू करने से पहले फार्मासिस्ट को पेशेंट की कंडीशन के बारे में जानना ज़रूरी है और उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो दवाएं चल रही हैं, किस चीज़ की वो दवाएं चल रही हैं उसके बारे में भी उसको जानना ज़रूरी है। अगर उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं रहेगा तो कैसे उसको आप समझा पाएंगे, और जो दवाएं उसको चल रही हैं उसके बारे में आप उसको समझाने जा रहे हैं और उसके बारे में आप ही को नॉलेज नहीं है, तो फिर कैसे आप उसको समझा पाएंगे। तो यही कह रहे हैं कि पहला स्टेज क्या है कि जो फार्मासिस्ट है, मान लीजिए मैं हूँ, मैं अगर किसी को काउंसलिंग करने जा रहा हूँ तो जो कोई मतलब पेशेंट आया है प्रिस्क्रिप्शन लेके, और उसको तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि पहले मैं पेशेंट के बारे में जानूं कि इसको बीमारी वगैरह क्या है, आपके उसके प्रिस्क्रिप्शन से कुछ पता लग जाएगा, फिर उसके अंदर जो दवाएं हैं उसके बारे में भी मैं पढ़ूंगा एक बार कि इन दवाओं के बारे में मुझे नॉलेज है कि नहीं है, मैं उसको समझाने जा रहा हूँ, इसके लिए काउंसलिंग करने जा रहा हूँ, तो इन दवाओं के बारे में मुझे नॉलेज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले मैं वो नॉलेज हासिल करूंगा, इकट्ठा करूंगा, फिर उसके बाद तब दूसरा स्टेज आता है कि मैं उसके साथ काउंसलिंग की शुरुआत करूंगा। तो अगर आपको पेशेंट के बारे में नॉलेज चाहिए, उनके दवाओं के बारे में चाहिए, तो आप पहले से कैसे जानेंगे, तो जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है वहाँ से आपको नॉलेज बहुत सारा मिल जाएगा। एक तो आप पेशेंट को देख के समझ जाएंगे, मान लीजिए वो क्या है, उसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, कुछ भी इस टाइप के जो उसके सिम्टम्स हैं उसको देख के आप समझ सकते हैं, और जो उसका प्रिस्क्रिप्शन है उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उसका जो प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन या डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड है कि ये किस चीज़ों की दवाएँ बार बार ले जाता रहता है, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी दिक्कत क्या है। If the pharmacist is unfamiliar to the drugs that patient is taking, then pharmacist should obtain appropriate information before counseling. समझ में आ रही बात कि जो अगर फार्मासिस्ट को, कि अगर फार्मासिस्ट अनफैमिलियर है उन दवाओं से जो पेशेंट ले रहा है, मतलब इसका कि अगर कुछ पर्ची के अंदर ऐसी दवाएं लिखी हुई हैं जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी यह है कि पहले मैं उन दवाओं के बारे में जो मुनासिब नॉलेज हैं, जो ज़रूरी नॉलेज हैं, वो मैं ले लूँ, उसके बाद तब क्या करूँ दोबारा, तब उसके बाद मैं काउंसलिंग शुरू करूँ। अब कहाँ से मिलेगी जो दो भी दवाएँ हैं, उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसको डालेंगे तो उसकी सारी नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगी। और क्या करेगा, ही शुड कंसिडर द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है उसका फिजिकल कंडीशन क्या, कोई क्या वो इस लायक है कि नहीं है कि आपकी बात सुन सकता है, या मेंटली वो तैयार है कि नहीं है। पता चल रहा है कि वो डिप्रेशन में है या किसी और मेंटल डिसऑर्डर के अंदर, आप उसको काउंसलिंग करने जा रहे हो, उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, पता चला कि वो और चिढ़ जाएगा, आपको उल्टा सीधा बकना शुरू कर देगा। लेकिन कोई बीमार है, बहुत सीरियस है, तो उसको आप जो ज़रूरी बातें हैं दो चार वो बता देंगे। और अगर उसका कोई, हाँ, और अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, अगर यानी उसके साथ में कोई बीमार को लेके आया है, तो आप वो सारी बातें उसको, उसके रिप्रेजेंटेटिव को, उसके अटेंडर को बताएंगे कि आप ये चीज़ें क्या है आपको फॉलो करना है। अब दूसरा जो सेशन है इसमें क्या होता है, तो इन दिस सेशन फार्मासिस्ट शुड कंसीडर फॉलोइंग थिंग्स। तो इस सेशन के अंदर फार्मासिस्ट को ये चीज़ें क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो ये क्या ओपनिंग सेशन है, यानी इसमें अब क्या बात की शुरुआत करेगा, इंट्रोडक्शन, इसको इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं, इस वाले स्टेज को इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें अब काउंसलिंग की शुरुआत करेगा, तो कैसे करते हैं, तो द फार्मासिस्ट शुड ग्रीट द पेशेंट बाय नेम एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यहाँ पे हर सेल्फ भी कर लीजिए। तो ये कह रहा है कि फार्मासिस्ट है वो क्या करेगा, तो पेशेंट को ग्रीट करेगा। ग्रीट करने का मतलब सलाम करना, समझ में आ रही बात है, आपके यहाँ पे जो भी अब तरीका है सलाम करने का, उस तरीके से आप उसको क्या करेंगे, सलाम करेंगे, ग्रीटिंग करेंगे, और फिर उसके नाम लेकर, अब कहेंगे नाम कहाँ से पता चलेगा, तो उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वहाँ से पता चल जाएगा, अगर नाम पता नहीं तो नाम आप उससे पूछ लेंगे, ठीक है। और अपना इंट्रोडक्शन भी कराएंगे कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, यानी अपना इंट्रोडक्शन भी कराएंगे कि मेरा नाम ये है और मैं क्या हूँ, आपका फार्मासिस्ट हूँ, अगर ज़रूरत पड़ती है तब, वरना ये ज़रूरी नहीं है कि अपना नाम और अपना इंट्रोडक्शन भी कराएं, लेकिन अगर कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ रही है तो इसकी ज़रूरत हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर ज़्यादा पड़ती है, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर नहीं पड़ती है कि अपना इंट्रोडक्शन वगैरह कराया जाए।
और दूसरी चीज़ क्या है, तो इट इज़ बेस्ट टू यूज़ प्रीफिक्स लाइक मिस्टर, मिस्ट्रेस, मिसेज, तो इस टाइप के जो प्रीफिक्स होते हैं तो वो लगाना भी ज़रूरी है। तो आप इंग्लिश में अगर बोल रहे हैं तब ये सब लगाएंगे, और अगर आप उसमें बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, उर्दू में बोल रहे हैं, तो जनाब लगा देंगे, श्री लगा देंगे, श्रीमती लगा देंगे। तो इस तरीके से आप उनसे बात की शुरुआत करेंगे। जब उनका नाम लेंगे तो ये उनका नाम आप इज्जत से लेंगे, अदब से लेंगे, ऐसे नहीं कि रफली आप उनको बात करेंगे तो फिर वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक है, अब आप ये आप देख रहे हैं कि सिलेबस मतलब कितने अच्छे से आपको वो किया है कि पहले आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाया, उसके बाद तब काउंसलिंग पढ़ा रहे हैं, ताकि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल आएगा तो फिर आप तब आप क्या है ये काउंसलिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो आपका जो फोर्थ चैप्टर था वो क्या था, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। और क्या है, तो फार्मासिस्ट शुड टेल दी पर्पज़ ऑफ काउंसलिंग, तो आप उसको पेशेंट को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को पर्पज़ बताएंगे कि काउंसलिंग क्यों किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें उसको बताएंगे। और क्या करेंगे, द फार्मासिस्ट शुड गेदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीज़ एंड ड्रग ट्रीटमेंट। तो आप इसमें अब फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी ये है कि वो पेशेंट से जितना उगलवा सकता है उतना उगलवाएगा, यानी बीमारी के बारे में उसका क्या नज़रिया है, अपनी बीमारी के बारे में वो क्या सोचता है, क्या समझता है। एक तो मान लीजिए डॉक्टर ने जो दवाएं लिखी हैं, पर्ची लिखी हैं, ठीक है, लेकिन उसको क्या, खुद पेशेंट को क्या लग रहा है कि मुझे क्या दिक्कत है, मैं क्या इस बीमारी के बारे में समझता हूँ, और जो दवा उसके लिए चल रही है उसके बारे में वो क्या सोचता है। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि मुझे बीमारी कुछ और दवा कुछ और दी जा रही है, दर्द दाएं घुटने में और दवा बाएं घुटने में लगाई जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कुछ। तो आप पहले पेशेंट जो है उससे क्या है, उसी की ज़बानी उसका इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके उगलवाएंगे कि आपको दिक्कत क्या है, क्या नहीं है, और दवा के बारे में आप क्या सोचते हैं। और क्या है, दी फार्मासिस्ट शुड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, और फार्मासिस्ट क्या करेगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन ना पूछे कि जो मतलब पूरे तरीके से मतलब वो क्या कहते हैं एक्सप्लेन्ड ना हो, वाजह ना हो, यानी घुमाऊ टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि व्हाट डिड योर डॉक्टर टेल यू अबाउट योर डिसीज, कि आपकी जो बीमारी है उसके बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है, समझ में आ रही। तो एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही व्हाट डू यू नो अबाउट योर डिसीज, और आप अपनी बीमारी के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं आप अपनी बीमारी को, कि आपकी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, घुमाओ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तीसरा और क्या है इसमें, तो ड्यूरिंग काउंसलिंग द फार्मासिस्ट शुड अवॉइड दोज क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज दैट कैन एम्बेरेस द पेशेंट। एम्बेरेस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, किसी सामने वाले को लज्जित करना। तो अब जब आदमी जब ये फार्मासिस्ट काउंसलिंग कर रहा है तो उस वक्त में ऐसे क्वेश्चन या ऐसे काम नहीं करेगा जिससे क्या है पेशेंट को शर्मिंदगी हो, उसको अच्छा ना लगे, समझ में आ रही बात। तो ऐसे क्वेश्चन से उसको अवॉइड करना है। उसके बाद आता है तीसरा स्टेज, यानी इस वाले स्टेज में क्या है, वो सिर्फ उससे इन्फॉर्मेशन लेगा, अपना इंट्रोडक्शन कराएगा, अगर उसका इंटू पेशेंट के बारे में नहीं मालूम है तो उसका नाम वगैरह पूछेगा, ये होता है दूसरा स्टेज। उसके बाद आता है तीसरा स्टेज जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही समझ लीजिए इसकी पूरी जान है काउंसलिंग की, ये जो तीसरा स्टेज है। अगर आप दूसरा स्टेज छोड़ देते हैं तब भी चल जाएगा, लेकिन ये अगर छोड़ देते हैं तो ये नहीं कहा जाएगा कि आपने काउंसलिंग की है, फिर वो काउंसलिंग नहीं रह जाती है अगर आप उसमें तीसरा स्टेज छोड़ देते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द काउंसलिंग सेशन। तो जो काउंसलिंग आप कर रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, ये तीसरा, काउंसलिंग कंटेंट। इन दिस सेशन द फार्मासिस्ट विल एक्सप्लेन अबाउट मेडिकेशन, या विन हो गया इसको विल कर लीजिए, ठीक। तो द फार्मासिस्ट विल एक्सप्लेन अबाउट मेडिकेशन एंड चेंजेस इन लाइफ स्टाइल। तो इस वाले सेशन में फार्मासिस्ट क्या करता है, तो वो दवाओं के बारे में क्या है, दवाओं से रिलेटेड रिगार्डिंग जो एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होते हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा, बताएगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और अपने लाइफ स्टाइल के अंदर पेशेंट को क्या चेंजेस लाने हैं उसके बारे में भी बताएगा। अब ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, यहाँ पे क्या सिर्फ एक आइडियाज़ हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन आप अपने पेशेंट के हिसाब से आपको खुद समझना रहेगा कि मुझे इसको क्या बताना है, क्या काउंसलिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या है, नेम एंड डोजेज ऑफ मेडिकेशन। मान लीजिए दवाएं हैं, उसकी पर्ची है आपके पास, तो पहले दवा का नाम लेंगे कि ये दवा है पैरासीटामोल,
तो ये दवा के, ये दवा जो है इसको आपको कितना लेना है, तो कहेंगे पैरासीटामोल जो दवा है इसको आपको 500 mg लेना है, ठीक। तो उसका डोज बताएंगे, उसका नाम बताएंगे, और क्या बताएंगे, रीज़न वाई इट इज़ डिस्क्राइब, और फिर ये भी बताएंगे कि ये दवा आपको क्यों दी गई है, डॉक्टर ने आपको ये दवा क्यों दी है, ऐसे ही उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताएंगे, और क्या ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और कितनी देर के बाद आपको दवा लेनी, यानी दिन में कई मरतबा आपको लेना है, ऐसे ही एक्सपेक्टेड बेनिफिट, ये दवा खाने से आपको क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा ये बताना है, ऐसे ही एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, आपकी दवा या कितने दिनों तक चल सकती है इसके बारे में बताएंगे, ऐसे ही पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, और जो एडवर्स इफेक्ट मुमकिन है उसके बारे में बताएंगे कि ये दवा लेने के बाद आपको चक्कर आ सकता है, ये दवा लेने के बाद आपको क्या मुंह थोड़ा सा सूखा हो सकता है, ड्राइनेस हो सकता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी आप बताएंगे उसको। ऐसे ही स्टोरेज रिकमेंडेशन, यानी जो दवाएं हैं उसको किस कंडीशन में आप स्टोर करेंगे, ला के घर में रखेंगे, तो उसके बारे में भी बताएंगे। ऐसे ही व्हाट टू डू इफ ए डोज इज मिस्ड, ये डोज है इसको ठीक कर लीजिए, इफ़ ए डोज इज़ मिस्ड, अगर कोई दवा छूट गई है तो उसको आप कैसे, मतलब क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो उसके बारे में बताएंगे। ऐसे ही मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू शो थेरापेटिक बेनिफिट, और दवा खाने के बाद कितनी देर के बाद दवा अपना काम शुरू कर देगी, कितनी देर के बाद दवा का इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, उसके बारे में आप उसके अंदर बताएंगे। तो ये आपका मेन पॉइंट होता है, ये मेन चीज़ें होती हैं जो आपको पेशेंट काउंसलिंग में बतानी होती हैं। अब उसके बाद आता है चौथा स्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग सेशन, ठीक। तो यानी हम जो काउंसलिंग सेशन है उसको हम लोग क्लोज करेंगे। तो बिफोर क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन इट इज़ एसेंशियल टू चेक द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अपना काउंसलिंग सेशन कंप्लीट करने से पहले, ख़त्म करने से पहले आपको पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग को भी चेक करना है कि मैंने जो बात उसको समझाई है समझ में आई कि नहीं आई। दिस कैन बी अचीव्ड बाई फीडबैक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये कैसे आप जानेंगे कि मतलब उसको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसको बोलते हैं फीडबैक लेना, ठीक है। फीडबैक लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी बातें इसको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। तो फीडबैक कैसे लेंगे, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, तो हाउ लॉन्ग शुड यू टेक दिस मेडिके, हाउ लॉन्ग विल, यहाँ पे विल लगाइए, शुड के हटा के विल लगाइए, हाउ लॉन्ग विल यू टेक दिस मेडिकेशन, कितने समय तक आप ये दवाएँ लेते रहेंगे, ठीक है। यानी आप उससे पूछेंगे कि यह दवा आप कब तक खाएंगे। ऐसे ही व्हेन विल यू टेक दिस मेडिकेशन, और ये दवा आप कब लेंगे, सुबह में लेंगे, शाम में लेंगे, सारी चीज़ें बताई जाती है ना कि ये दवा आपको सिर्फ सुबह लेना है, खाली पेट लेना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल दिए हैं। इस टाइप के आप कोई भी जो बातें आपने समझाई हैं उन्हीं बातों में से एक दो बातें आप उससे पूछ के मालूम करेंगे कि मेरी समझाई हुई बातें उसको समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे ही व्हाट विल यू डू इफ़ यू मिस्ड एनी डोज, और ऐसे ही आप पेशेंट से भी पूछ सकते हैं कि अगर तुम्हारी कोई एक मतलब खुराक दवा छूट गई तो उस कंडीशन में क्या करोगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्वेश्चन के, आप भी कुछ इस टाइप के फीडबैक लेने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। द फार्मासिस्ट शुड आस्क द पेशेंट हैव यू एनी डाउट, हाँ ये भी एक मेन पॉइंट है कि आप काउंसलिंग जो आपका एंडिंग सेशन है, जो क्लोजिंग सेशन है, उसमें आप ये भी पूछेंगे कि आपको कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये ज़रूर पूछना चाहिए। ऐसे ही बिफोर क्लोजिंग काउंसलिंग सेशन फार्मासिस्ट शुड समराइज द मेन पॉइंट्स इफ़ टाइम परमिट्स फॉर दैट, और ये कह रहे हैं कि अगर आपको टाइम इजाज़त देता है, आपके पास सफिशियंट टाइम है, तो आपको क्या है जो बातें आपने काउंसलिंग के अंदर बताई हैं एक बार फिर से उनको समराइज़ करेंगे सारी चीज़ों को, यानी जो मेन बातें हैं उसको दोबारा रिपीट कर देंगे कि ये दवा आपको इतनी बार खानी है, ये सुबह में खाना है, शाम में खाना, ये दवाएं इसके साथ में नहीं खानी है, ये खाली पेट खानी है। तो इस तरीके की जो मेन पॉइंट्स हैं उसको आप दोबारा एक बार समराइज़ कर देंगे। और क्या इसमें कि फार्मासिस्ट कैन शेयर हिज कॉन्टैक्ट नंबर, और लास्ट में क्या है, अगर ज़रूरत है, अगर फार्मासिस्ट को लगता है कि मेरी ज़रूरत है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर सकता है, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, कुछ मालूमात लेनी है तो मालूमात ले सकते हैं। अब एक टॉपिक है इसके अंदर बैरियर्स टू इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग, यानी वो क्या चीज़ें हैं जो काउंसलिंग को इफेक्टिव होने से रोक देती हैं। बैरियर जानते हैं, आपने देखा होगा कि रास्ते के अंदर बैरियर लगे रहते हैं, जैसे कि देख लीजिए ट्रेन आती है तो वहाँ पे एक लगा रहता है ऐसे लोगों को रोकने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैरियर लगा हुआ, जिसको फाटक भी बोला जाता है। तो बैरियर का मतलब वो चीज़ है जो किसी चीज़ को रोक दे, ठीक। तो इफ़ेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग के लिए क्या चीज़ें बैरियर होती हैं, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्या काउंसलिंग इफ़ेक्टिव नहीं होती है, अच्छे से काम नहीं करती है।
तो वो क्या चीज़ें हैं, तो उसमें सिलेबस में बैरियर पूछा है और उनके टाइप्स भी पूछे हैं कि वो कितने टाइप्स के बैरियर होते हैं। तो बैरियर तीन टाइप के होते हैं, एक है फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर्स, एक जो टाइप है बैरियर की यानी जो काउंसलिंग को रोकने वाली चीज़ें हैं, तो उसमें से एक जो है वो फार्मासिस्ट से रिलेटेड है। तो फार्मासिस्ट के अंदर क्या कमियां हो सकती है जिसकी वजह से ये बैरियर आ सकता है, तो उसमें से एक चीज़ क्या है, लेक ऑफ नॉलेज अबाउट पेशेंट, यानी जो फार्मासिस्ट है उसको पेशेंट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसे ही लेक ऑफ नॉलेज अबाउट पेशेंट डिसीज कंडीशन, ऐसे ही जो पेशेंट की डिसीज की कंडीशन है उसके बारे में फार्मासिस्ट को नॉलेज नहीं है। ऐसे ही फार्मासिस्ट को क्या कॉन्फिडेंट नहीं है पूरी तरीके से बात करने के लिए, उसके पास नॉलेज की कमी है, फार्मासिस्ट के पास खुद नॉलेज की कमी है तो उससे भी दिक्कत आएगी। ऐसे ही उसके पास नॉलेज तो है, स्किल नहीं है बात करने का, तो वो भी एक तरीके का बैरियर होता है। ऐसे ही एज डिफरेंसेस भी ये कारण बन जाता है, मान लीजिए मेरी एज कम है और मैं अपने से 25 साल 30 साल ज़्यादा उम्र वाले से बात करूं तो मैं इतने इफेक्टिव तरीके से नहीं बात कर पाऊंगा उनसे, बन जाता है। ऐसे डिफरेंसेस इन जेंडर, ऐसे ही क्या है अलग अलग जेंडर के इंट्रैक्शन करने में भी क्या एक तरीके से बैरियर होता है, मेल और फीमेल का जब इंट्रैक्शन होता है तो अच्छे तरीके से क्या वो बात नहीं समझा सकता है, तो कभी ये भी क्या एक तरीके से बैरियर बन जाता है। ऐसे ही क्या इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन, और जो कम्युनिकेशन है वो पूरी अच्छे तरीके से नहीं की जा रही है, पता चल रहा है कि सामने वाला बात ऐसे कर रहा है कि दूसरे को सुन ही नहीं पा, यानी मान लीजिए फार्मासिस्ट इतना धीरे धीरे बोल रहा है कि सामने वाले को बात सुनाई नहीं दे रही है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो कम्युनिकेशन में अगर दिक्कत है तो भी क्या है बैरियर हो सकता है। ऐसे लैंग्वेज डिफरेंसेस की वजह से भी दिक्कत आती है, और ये बहुत ज़्यादा होता है कि आप पेशेंट मान लीजिए आप जाएंगे किसी फार्मासिस्ट के पास किसी डॉक्टर के पास, तो वो क्या करता है इंग्लिश में बातें बता के चल देता है। अरे यार उस सामने वाला को हिंदी भी नहीं आती ढंग से, उसको ढंग से उर्दू नहीं आती है और आप इंग्लिश में उसको समझा रहे हो, तो ये बहुत दिक्कत आती है। फार्मासिस्ट इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि जो सामने पेशेंट है आप उसके लेवल का तो थोड़ा सा ख्याल करो यार, कि आप उसको हाइपरटेंशन बोल दे रहे हो वो समझ ही नहीं रहा है कि हाइपरटेंशन क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट बोल दे रहे हो वो समझ ही नहीं पा रहा कि एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो आपको उसके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करनी है, वरना तो क्या है फिर ये बहुत बड़ा बैरियर होता है। ऐसे ही लैक ऑफ लिसनिंग, एक ये भी कि जो पेशेंट आपको कोई बात अपनी बता रहा है आप उसको सुन ही नहीं रहे, उसकी सुन ही नहीं रहे, वो कुछ कह जा रहा है आप सुन नहीं रहे अपने में मस्त हैं, तो ये भी एक दिक्कत होती है। ऐसे ही लैक ऑफ टाइम, आपके पास टाइम की कमी है तो आप उसकी बात सुनेंगे नहीं, आप पूरी तरीके से उसको गाइड नहीं करेंगे समझाएंगे नहीं, तो ये भी एक बैरियर है। ऐसे लैक ऑफ प्रिपरेशन, फार्मासिस्ट को उन दवाओं के बारे में पता नहीं था, पेशेंट के बारे में नॉलेज नहीं था, उसने तैयारी नहीं की अपनी, तो भी क्या है ये भी एक तरीके का बैरियर होता है। दूसरी जो बैरियर है वो क्या है पेशेंट से रिलेटेड है, तो ये भी उसमें भी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो एक क्या है लैक ऑफ ट्रस्ट, जो पेशेंट है जो बीमार है उसको अपने फार्मासिस्ट पे ट्रस्ट ही नहीं, भरोसा ही नहीं, उसको लगता है यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो भी क्या वो बात ही नहीं सुनेगा और बहुत सारी दिक्कत आएंगी, तो ये भी एक तरीके का बैरियर है। ऐसे पुअर लिसनिंग, जो पेशेंट है वो सुन ही नहीं रहा है फार्मासिस्ट की बात को, तो भी क्या है काउंसलिंग सही से नहीं हो सकती है। ऐसे लैक ऑफ टाइम, उसी के पास पेशेंट के पास ही टाइम नहीं है, वो कह रहा है मुझे दवा दो बस मैं जा रहा हूँ, तो भी काउंसलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। ऐसे फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन अगर उसकी ठीक नहीं है पेशेंट की, तब भी दिक्कत आएगी, और जेंडर अगर अलग अलग है तब भी दिक्कत आएगी। ऐसे लैंग्वेज भी एक बैरियर हो सकता है। ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही क्या है आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पेशेंट को वो उसको समझ नहीं पा रहा है, उसने उसको समझना कुछ और था वो कुछ और समझ गया। ऐसे लैक ऑफ लिटरेसी, जो पेशेंट है अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो इतने अच्छे से वो क्या है आपकी काउंसलिंग को समझ नहीं पाएगा, इसलिए कि आप तो क्या है आप हैं, आप तो इंग्लिश में सारे वर्ड्स बोलेंगे सारी चीज़ें उसको समझाएंगे, क्योंकि आप अगर इंग्लिश में नहीं बोले तो आप नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए क्या है तो और सामने वाला किसान है उसको तो क्या ढंग से वो हिंदी अगर आप समझाएं तब भी नहीं समझ पाएगा वो, तो ये भी एक दिक्कत होती है। तो पेशेंट को क्या है इलाज कराने जब आए तो उससे पहले ज़रूरी है कि वो पढ़ के आया करे। तो अब आप अपने फार्मेसी पे लिखवा दीजिएगा कि जब तुम्हें कोई भी आप अपने फार्मेसी पे लिखवा दीजिए कि कोई भी पेशेंट यहाँ पे आए तो पहले वो पढ़े तब हमारे यहाँ पे आया करे, ये मजाक कर रहा हूँ। तो ये भी एक दिक्कत होती है कि लैक ऑफ लिटरेसी, कि आदमी जब पढ़ा लिखा नहीं रहता तो बातों को अच्छे से समझ में नहीं पाता है। ऐसे ही क्या लैक ऑफ एक्सप्रेशन, यानी जो पेशेंट है वो क्या अपनी बात को मतलब सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, कुछ कहना तो चाह रहा है लेकिन बता नहीं पा रहा है कि मुझे दिक्कत क्या है, मुझे परेशानी क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, तो इससे भी दिक्कत आती है। ऐसे पुअर कम्युनिकेशन, अगर बातचीत में मतलब कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो भी ये दिक्कत आएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मतलब बोल रहा हूँ मैं और मेरी आवाज़ उसको सुनाई नहीं दे रही है, समझ नहीं पा रहा है, तो ये भी एक तरीके का पुअर कम्युनिकेशन है। और एक जो
बैरियर का टाइप है सिस्टम से रिलेटेड है, यानी जो आपका फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी जो सिस्टम है उससे रिलेटेड है, तो उसमें क्या होगा, तो लेक ऑफ प्राइवेसी, यानी मान लीजिए यहीं पे 10 लोग बैठे हुए हैं और यहीं पे आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा शर्माएगा, क्योंकि लोग अपनी कमियों के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में सबको बताना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए क्या है, तो अगर प्राइवेसी नहीं दे रहे हैं आप, तो वो भी क्या है, ये अच्छे तरीके से काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। और दूसरा, लैक ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी, और जो फार्मेसी है उसके अंदर क्या है, फार्मासिस्ट की कमी है, चाहिए वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे 20 फार्मासिस्ट हों लेकिन 5 ही हैं, तो सबको टाइम नहीं दे पाएंगे, और वो क्या है, जितना उनको काम रहेगा कि उनका वो इरिटेशन होगा, वो क्या है, सही से काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, तो एक दिक्कत ये भी होती है। ऐसे लैक ऑफ टाइम की कमी है तब भी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। ऐसी हैवी पेशेंट फ्लो फॉर प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग, और क्या है, बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन लेके कि मुझे ये दवाएँ चाहिए, तो एक लाइन लगी हुई है, तो उसमें कहाँ कौन काउंसलिंग देख रहा है, तो ये भी एक दिक्कत होती है। अब एक टॉपिक ये है कि स्ट्रेटजीज टू ओवरकम बैरियर्स, यानी जो बैरियर्स हैं इन पे कैसे ओवरकम किया जाए। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ पे काबू पाना, ठीक है, किसी चीज़ पे काबू पाना, यानी कैसे उस पर हम लोग गालिब आए, कैसे उसको कम करें, कैसे रोकें, तो क्या करना है, तो इंक्रीज द स्किल, फार्मासिस्ट के अंदर स्किल की कमी है तो उसको बढ़ाएगा। ऐसे क्या है, वो बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करेगा, इससे क्या है, कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऐसे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की कमी की वजह से अगर मतलब दिक्कत आ रही है, तो भी क्या है, फार्मासिस्ट को अगर बढ़ा देते हैं तो फिर वो दिक्कत कम हो जाएगी, बैरियर खत्म हो जाएगा। ऐसे जो कम्युनिकेशन के अंदर दिक्कत है, पुअर कम्युनिकेशन था, तो उसको प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाएंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो, एक दूसरे को आदमी समझ सके, तो भी ये दिक्कत बैरियर्स कम हो सकते हैं। ऐसे ही प्रॉपर लिसनिंग ऑफ पेशेंट, यानी जो पेशेंट है उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सामने वाला जो हमको बता रहा है उसको मैं ध्यान से सुनूं, तो भी क्या है, ये बैरियर जो पेशेंट की तरफ से था, ये जो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको अगर हटा दिया जाए, पेशेंट को समझाया जाए कि बात ध्यान से सुनिए आप, तो भी ये दिक्कत, ये बैरियर हट सकता है। ऐसे क्या है, चेकिंग ऑफ, या ऑफ कर दीजिए अच्छा रहेगा, चेकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करना कि वो मेरी उसको बात समझ में आई कि नहीं आई, जैसे मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन वगैरह उससे पूछेंगे, तो अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाए तो भी क्या है, ये बैरियर खत्म हो सकता है। ऐसे यूजिंग पिक्टोग्राम्स, ये याद रखिएगा, पिक्टोग्राम से एक आध नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो पिक्टोग्राम को यूज़ करके भी क्या है, इस कम्युनिकेशन, इसको, इस काउंसलिंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। और ये पिक्टोग्राम क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पे कुछ सिंबल्स लगा दिए जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ सिंबल लगा दिए जाते हैं जिससे आदमी को देखते ही फौरन अंदाज़ा हो जाता है कि क्या कहा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई जगह होती है वहाँ पे ऐसा निशान लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब खतरे का निशान है। ऐसे ही मान लीजिए ये दवा की आपकी जो, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये दवा की आपकी पूरी, ये मान लीजिए आपकी दवा है, दवा का पत्ता है पूरा, तो उस पर ऐसे दो गोले बना देते हैं, मतलब एक सुबह में लेना है, एक शाम में लेना है, तो सामने वाले चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, वो देखते ही समझ जाता है कि दो बार इसको लेना है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि सिरप की शीशी होती है, तो उस पर क्या करते हैं वो लोग कि ऐसे तीन जगह ऐसे निशान मार देंगे, यानी दो दो ढक्कन तीन बार आपको पीना है। तो कुछ ऐसे और भी बहुत सारे सिंबल आते हैं, तो ऐसे पिक्टोग्राम बोलते हैं इसको। तो ये जो सिंबल होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राम, यानी आप कुछ चित्र बना के बात समझाइए, इसको बोलते हैं पिक्टोग्राम। तो इसको भी यूज करना चाहिए, और इसको बहुत यूज भी किया जाता है, अब तो ये प्रिंटेड आता है बहुत सारा। ऐसे ही क्या है, अवॉइडिंग एंगर, और जो फार्मासिस्ट है उसको एंगर से अवॉइड करना, गुस्सा नहीं करना उसको, अगर फार्मासिस्ट गुस्सा करेगा तो फिर वो अपनी बात सामने वाले को अच्छे से समझा नहीं पाएगा। ऐसे क्या है, सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेसी, और लोगों की जो प्राइवेसी है उसको सिक्योर होना चाहिए, वो लीक नहीं होना चाहिए, कोई दूसरे लोग उसको न सुन पाए। ऐसे प्रिपरेशन बिफोर काउंसलिंग, काउंसलिंग करने से पहले फार्मासिस्ट को क्या है, प्रिपरेशन करना चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।